एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेरमी एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसा एक मेकअप जिसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा अभी जो फेस लग रहा है तो मेकअप करने के बाद फेस कैसा चेंज हो गया है। एंड बेसिकली ये जो मेकअप है, ये मेकअप मैंने नॉर्मली यूट्यूब जब शूट करती हूँ तो यूट्यूब शूट के लिए ये मेकअप करना पसंद करती हूँ। साथ साथ जो फेसबुक रील और यूट्यूब रील है, आप चाहे तो उस टाइम पर भी आप इस तरह से इजिली मेकअप कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैंने एलोवेरा जेल को यूज़ कर रही हूँ एज अ प्राइमर। तो यहाँ पे मैंने VLCC का एलोवेरा जेल को यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसका रिव्यूज़ चाह रहे हैं तो मैं इसका रिव्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी मैंने मेबेलिन फिट मी का जो फाउंडेशन है उसको यूज़ कर रही हूँ। मेरी शेड है 228 एंड मैंने इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। आप चाहे तो ये फाउंडेशन के प्लेस पे आप कोई बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा बीबी क्रीम अच्छा है उसके ऊपर मेरे चैनल पे एक डिटेल्स वीडियो है, आप चाहे तो उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं जब यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करती हूँ तब गर्मी रहते हैं, सारे दिन भर करती हूँ तो डे टाइम पर करती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप मैं पसंद करती हूँ। तो इसीलिए मैंने बेस पे फाउंडेशन को ही यूज़ कर रही हूँ। एंड देखिए थोड़ा सा ये मेरा फेस को फेयरियर बना दिया। तो अभी मैंने मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ कर रही हूँ एंड मेरी शेड है शेल एंड इसको एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैंने यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आप YouTube के शूट और नॉर्मल डे टाइम पे कोई मेकअप कर रही है तो अगर आपको बाहर पे जाना है, सांस पे जाना है, तो आप ये पाउडर के प्लेस पे आप सनस्क्रीन पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। आईब्रोज के लिए आप कोई भी एक काजल पेंसिल को ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक काजल पेंसिल को ले लिया, कौन सी कंपनी का था वो अभी भूल गई हूँ। बहुत दिन पहले मैंने एक काजल पेंसिल ली थी। तो आप किसी भी काजल पेंसिल से आईब्रो को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए डिफाइन करने के बाद आईब्रोज कितना अच्छा लग रहा है। आप बारी है आई शेडो लगाने का एंड देखिए मेरा जो आई शेडो पहले थे ये एकदम सब टूट गया है, सिर्फ पिंक कलर बचा है तो मैंने पिंक कलर ही लगाऊंगी। एंड आप चाहे तो आपका ड्रेस के साथ मैच करके भी कोई आई शेडो पैलेट से आई शेडो लगा सकते हैं। और नॉर्मली जो हम लोगों के स्किन का कलर होते हैं वो कलर और सिल्वर कलर और गोल्डन कलर भी लगा सकते हैं, बट मैं सोची कि पिंक कलर ही बेस्ट है। अभी मैंने एक जेल आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जेल आई लाइनर बहुत टाइम तक रुकते हैं फेस पे, तो एंड जेल आईलाइनर देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये एपीके के एक जेल आईलाइनर है तो मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसका भी रिव्यूज चाह रहे हैं तो मैंने इसको भी रिव्यूज आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। तो आप बार ये काजल का, तो मैंने यहाँ पे L18 का जो आई ड्रामा काजल है उसको यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक काजल है एंड मुझे बहुत ही पसंद है। अगर आप इसका भी रिव्यूज़ चाह रहे हैं देन मैंने इसका भी रिव्यूज़ आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का एक लाइट पिंक कलर को यूज़ की हूँ क्योंकि लाइट पिंक कलर के ऊपर जो जो कलर शेड है आप चाहे तो वो लगा सकते हैं। तो यूट्यूब शूट के लिए बेसिकली बहुत बार लिपस्टिक शेड चेंज करना पड़ते हैं तो इसीलिए मैंने पिंक कलर की ही चूज़ की हूँ। नेचुरली यूट्यूब और कोई रील शूट करने के लिए स्किन को थोड़ा सा ग्लोई लगने से बहुत अच्छा लगते हैं, तो इसीलिए मैंने एक जो ग्लिटरी पाउडर होते हैं, इजीली मार्केट पे अवेलेबल होती है ग्लिटरी पाउडर, तो ग्लिटरी पाउडर को थोड़ा सा पूरे फेस पे दे रही हूँ। आप ग्लिटरी पाउडर के प्लेस पे हाईलाइटर को मत यूज़ कीजिए। एंड देखिए उसके बाद थोड़ा सा मैंने पिंक कलर का एक ब्लशर को भी यूज़ किया, बस हो गया ख़त्म। तो मार्केट पे इस टाइप का छोटा वाला
पैक अवेलेबल होती है जहाँ पे आपको आई शेडो, ब्लशर एंड ये जो शिमरी पाउडर सब कुछ एक साथ में अवेलेबल होती है। तो देखिए अभी इसके ऊपर ये गोल्डन कलर के एक आई शेडो थे, तो उससे मैंने आईज़ के जो इनर पोर्शन है वहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट की हूँ, इससे आईज़ और भी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो मैं मुझे लगा कि बस यही हो गया है यूट्यूब के लिए एकदम शॉर्ट पे बहुत ही अच्छा एक मेकअप। तो देखते हैं फाइनल पे कैसा लगते हैं। तो देखो फ्रेंड्स एंड दिस इज द फाइनल लुक। ये पिक्चर मैंने 2-3 शूट लेने के बाद ही ली थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे लगे हैं एंड ये वीडियो शायद आपको बहुत काम पे भी आए हैं। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छे लगे तो ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड ये वीडियो को आप आपके फ्रेंड के साथ कोई भी सोशल साइट लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे इसको शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप पहले बार मेरे को देख रहे हैं देन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब करना बहुत ही ईजी है, यहाँ पे जो राउंड इसको क्लिक करके आप मेरे चैनल को इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।